हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम एक वन शॉट देखेंगे जिसका नाम है द कॉसिटर, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी सभी लोग आज्ञा मानते हैं। इसके राइटर का नाम है क्लाउडिया। ये वॉटपैड और AO3 दोनों जगह पर अवेलेबल है। तो चलिए हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। बर्फ पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसके साथ ही उनकी बातें भी चल रही थी। वो अपने नए कॉसिटर को तय करने के बारे में बातें कर रहे थे। वो डार्क टावर बिल्कुल अकेला चुपचाप खड़ा था। एक वक्त पर यहाँ जादूगरों की सबसे बड़ी फैमिली रहा करती थी। ये इमारत बहुत आलीशान थी, लेकिन इसकी खूबसूरती आँखों को भाने के बजाय एक उदासी का एहसास दिलाती थी। जो लोग उस टावर में आ रहे थे वो मैगी रेल्म में रहने वाले सबसे बड़े 5 जादूगर कबीले थे। एक के बाद एक सबसे पहले उर्सस फैमिली आई, जो बियर को रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद कार्वस फैमिली, जो रैवन ब्लैक थे, क्रो को रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद लूपस फैमिली, जो वुल्फ को रिप्रेजेंट करती थी। उसके बाद नैक्टुला फैमिली, जो आउल को रिप्रेजेंट करती थी। और उसके बाद टर्टल फैमिली, जो टर्टल्स को रिप्रेजेंट करती थी। वैसे वो फैमिली हेड्स मुश्किल से एक दूसरे को जानते थे, बस एक दूसरे को हल्का सा नोड देते हुए पोलाइट बस्ट फोर स्माइल के साथ एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे। ये कोई खुशी वाला गेट टुगेदर नहीं हो रहा था, ना ही कोई सोशल इवेंट चल रहा था। सभी के बीच में काफ़ी मनमुटाव झगड़े चलते ही रहते थे। इसलिए इस मैजिक वर्ल्ड में शांति रखना बहुत ज़रूरी था, साथ ही न्याय दिलाना भी। इसीलिए उनके ऐसे रियूनियंस हमेशा रखे जाते थे। वैसे ये बात भी इग्नोर नहीं की जा सकती, वहाँ पर ड्रैको मतलब ड्रैगन फैमिली भी हुआ करती थी, जो बहुत ही ग्रेट थी। उसके मेमोरीज अभी भी सभी लोगों को याद थे। ड्रैगन फैमिली ने इन सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध रखे थे, कहीं दोस्ती के, कहीं ब्लड रिलेशन के, पर वो एक ताकतवर फैमिली थी। इन सभी के साथ पली बड़ी थी और उन्हें ऐसे आसानी से वाइप आउट करना पॉसिबल ही नहीं था। पर अगर इन सभी ने ऐसा नहीं किया तो फिर किसी के लिए कोई भी रेल नहीं बचेगा, कोई फैमिली नहीं बचेगी। ये बात सिर्फ इस मैगी मतलब मैजिक वर्ल्ड की नहीं थी, ये तो पूरे यूनिवर्स की बात थी। ये मैगी वर्ल्ड बाकी दुनिया के तरह ही कोएग्जिस्ट करता था। वैसे वो बस जादू के रखवाले थे, जादू को उत्पन्न या फिर ख़त्म नहीं किया जा सकता था। उन फैमिलीज़ में बस कीपर्स थे, वैसल्स थे, जो प्योर मैजिक को कैरी करते थे। आज भी बहुत सारे मैगी पीपल यही सोचते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, ये सब की शुरुआत कैसे हुई थी। जब ड्रैको फैमिली का लास्ट पैट्रियार्क पावर हंग्री हो गया था, वो अर्थ पर कॉलोनीज बनाना चाहता था ताकि वो पूरे मैगी वर्ल्ड को हासिल कर सके। बस कुछ ही लोग थे जो उसका मुकाबला कर सकते थे, खासकर उसका बेटा, जो अपने पिता के ऐसे डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने अपने पिता के विरुद्ध ही आवाज़ उठाई और वही ड्रैको फैमिली का आखिरी वंशज था, फर्स्ट और करंट कॉर्सिटर। इसके बाद सभी फैमिली हेड्स को ये परेशानी होने लगी कि अब इस मैगी वर्ल्ड में बैलेंस कैसे बनाया जाए। सभी लोग बहुत एम्बिशियस थे, पूरे मैगी वर्ल्ड को हर कोई कॉन्कर करना चाहता था, सभी पावर के भूखे थे। ऐसे में एक सही न्याय व्यवस्था कौन लाएगा? जब सभी लोग एक दूसरे पर शक कर रहे हो, तभी नैक्टुआ फैमिली का हेड सामने आया। उसने अपनी आइडिया बताई कि ड्रैको फैमिली रूलर का सबसे छोटा बेटा जिंदा है, क्योंकि वो अपने फादर के खिलाफ था, यहाँ तक कि उसके फादर ने उसे ही बंदी बना लिया था। जब ये बैटल ख़त्म हुई, उसे कैद खाने में पाया गया, इसी टावर के जहाँ पर आज वो विजिट कर रहे हैं। उन्होंने उसे छुड़ाया, उसे स्वस्थ होने तक उसकी देखभाल की। आज हफ्तों बाद वो उन्हीं के सामने खड़ा है। आज भी उसकी आंखों में वो चमक दिखाई दे रही है, जिसे उसकी बुद्धिमत्ता उसकी जादूगरी कही जा सकती है। अब जाकर नोक्टुआ फैमिली ने
अपनी आइडिया सभी लोगों के सामने बताई। इस पर वो यंग मैन बोला, आप लोग मुझसे क्या चाहते हो? तब उर्सस फैमिली लीडर बोला, हम चाहते हैं आप हमारे कॉस्टर बनो। उस लड़के ने कहा, मैं क्यों? तब लुपस फैमिली के हेड ने कहा, इस पूरे रेल में बस तुम ही हो जो इम्पार्शल हो, जो हमारे बीच में पार्शलिटी नहीं करेगा। तब उस लड़के ने कहा, आप सब इतने शोर कैसे हो सकते हो? अब कॉर्वस फैमिली के हेड ने कहा, हमने तुम्हारे पूरे फैमिली को ख़त्म कर दिया, अगर तुम हमें माफ़ कर सकते हो, मतलब हम सभी को, इसका मतलब या तो तुम्हारे दिल में हम सभी के लिए एक समान नफ़रत है या फिर नफ़रत है ही नहीं, हम सब तुम्हारे सामने एक जैसे हैं। अब टॉटर फैमिली की हेड सामने आई, जो उन सब में इकलौती फीमेल थी। उसने कहा, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? आखिरकार इसका ब्लड भी तो ड्रैकोस का ही है, क्या वो अपने फैमिली आगे नहीं बढ़ाएगा? इस पर उर्सस फैमिली के हेड ने कहा, इसके लिए कोई फैमिली नहीं बनेगी, क्योंकि हम में से किसी भी फैमिली की कोई भी लड़की इसके लिए वाइफ प्रेजेंट नहीं होगी, वरना तो हम इस पर भरोसा कैसे करें कि ये हम सबको एक ही नज़र से देखता है। तो टर्टल फैमिली के हेड ने कहा, पर ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी उस यंग मैन ने कहा, मैं तैयार हूँ। तो टर्टल फैमिली के हेड ने कहा, तुम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? तुम हमेशा हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। अगर तुम कॉसिटर बन गए तो मैगी फैमिलीज अपने मैजिक से तुम्हें हमेशा के लिए जवान रखेगी। हालांकि तुम इमॉर्टल नहीं बनोगे, पर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत लंबी होगी अकेली। तो उस लड़के ने कहा, अच्छी बात है, क्यों? टर्टल फैमिली हेड ने पूछा। तो उस लड़के ने कहा, मेरे परिवार ने जो किया ये उसके लिए सज़ा होगी। सभी परिवारों के हेड उसके इस जवाब से सेटिस्फाई हुए, सिवाय टर्टल फैमिली के, क्योंकि वो उसकी तरफ बड़ी उदास आँखों से देख रही थी। तभी उर्सस लीडर ने कहा, तो क्या तुम एक्सेप्ट करते हो हमारा कॉर्सेटर बनना? उस यंग मैन ने कहा, हाँ मैं बनूँगा, पर मुझे एग्जैक्टली करना क्या होगा? तब उर्सस फैमिली के हेड ने कहा, तुम हमारे किंग या रूलर तो नहीं बनोगे, बस जज करोगे, बस हमारी बहस झगड़े सुलझाओगे, ज़रूरत पड़ी तो सजा दोगे, ताकि हमारे बीच में शांति बनी रहे, साथ में न्याय व्यवस्था भी। उस यंग मैन की आंखें एक पल के लिए चमक गई और फिर से खोल बन गई पहले के जैसे। वो उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत था, क्योंकि उसकी नज़र में भी उससे बेहतर इस पोजीशन के लिए कोई और बंदा नहीं था। वो अकेला था, उसमें राज परिवार का खून भी था, ऊपर से उसके पिता ने जो किया उसके लिए वो खुद को गिल्टी भी मान रहा था। ये वो दिन था जिस दिन ड्रैको फैमिली का आखिरी वंशज कॉर्सेटर बन गया था, सभी रेल्म्स में जस्टिस लाने वाला। उसी दिन से शाहजहां का नाम न्याय और निष्पक्षता से जोड़ा गया। जनरेशंस बीत गए, आज की सभा ख़त्म हुई और शाहजहां ने राहत की सांस ली। उसे ऐसे गैदरिंग्स जो 3 महीने में एक बार होते थे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसने पाया सभी फैमिली हेड्स अपने स्वार्थ का विचार करते थे मैगी वर्ल्ड से ज़्यादा, पर उसे सब कुछ सहना पड़ता था। वो सोचा करता था, क्या उसके पिता को भी पागल होने से पहले इस सब से गुजरना पड़ता था? पर वो कभी ये नोटिस ही नहीं कर पाया। वैसे उसके पास कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं थी। उसके लिए उसके पिता बहुत ही स्वीट थे। इससे पहले कि वो पावर हंग्री बीस्ट में तब्दील हो जाए, वो पूरे मैगी वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहते थे और उसे पूरा मैजिक खींचकर खुद को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। अब शाहजहां अपने चैम्बर्स में वापस आया, उसने अपने फॉर्मल अटायर उतारे और अपने सिंपल से कपड़े पहन लिए। वो आज उस हिडन केव में जाना चाहता था जो उसे एक्सीडेंटली कुछ सालों पहले मिली थी। जब वो ऐसे ही जंगल में भटक रहा था तब एक दिन उसे ये केव मिली। वो बस इस केव में बैठे थोड़ा सा मेडिटेशन करते हुए खुद के दिमाग को शांत करना चाहता था। कभी कभी वो अपने डिसीशन से ही बहुत परेशान होता था, जिस तरह से वो सज़ा दिया करता था उसे वो पसंद नहीं आता था। फिर भी इस रेल में शांति बनाने के लिए उसे ऐसे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते थे, लिए वो अभी तो
कुछ घंटों की शांति चाहता था। पहले तो वो बस क्यूरियस था उस पर्टिकुलर केव के बारे में। ऐसा लगता था कि उसे कोई पुकार रहा है, पर जैसे ही वो पहली बार उसमें गया, उसे लगा उस केव में कोई अलग ही तरह का मैजिक है, जिससे उसका खून किसी अलग ही दिशा में दौड़ रहा है। इसे जाहिर सी बात थी, उस केव को ड्रैको फैमिली के ब्लड से प्रोटेक्ट किया गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके फादर ने किया होगा किसी स्पेल की मदद से, और उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। वो जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसे पता चला कि ये तो ह्यूमन रेल में जाने का रास्ता है। पहले तो उसने थोड़ा सा हेजिटेट किया, वो नहीं जानता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर भी वो आगे बढ़ना चाहता था ये सोचे बिना कि आगे क्या होगा। अब उसने वो पैसेज क्रॉस किया और एक जंगल में बाहर निकला, जिसके पास ही एक ह्यूमन टाउन था। वैसे तो उसके पैर जवाब दे रहे थे, फिर भी वो धीरे धीरे संकरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे दुकानदार जो अपनी चीज़ें बेचने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। साथ में कुछ जानवर भी थे, जिनकी वजह से इस जगह का कोलाहल और भी बढ़ रहा था। शाहजहाँ कुछ पल के लिए रुक कर उन खुशमिजाज लोगों की जगमगाती दुनिया को देखता रहा। उसकी रोज़ाना ज़िंदगी से ये थोड़ी सी अलग थी। उसकी ज़िंदगी तो एकांत से भरी हुई थी। जैसे ही वो कॉल सेंटर बन गया, कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो अपने लोगों से ही कटा सा रहने लगा था, अकेला। सब लोग उससे डरते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, पर कोई भी प्यार नहीं करता था। उसे आज भी वो ज़माना याद था जब वो एक केयरफ्री यंग मैन था, चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी। अब तो वो ये भी भूल गया था कि वो आखिरी बार कब मुस्कुराया था। वो तो हमेशा ही एक स्ट्रिक्ट फेस बनाकर रखता था, पर आज इतने समय बाद उसके होंठ हल्के से ऊपर की तरफ मुड़े, बस ये सोचते हुए कि वो कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं है, ना यहाँ पर उसका पास्ट मैटर करता है, ना ही पावर। से उसके कंधे से बोझ उतर गया हो, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर चलने लगा, अनकॉन्शियसली एक दुकान से होते हुए दूसरी दुकान पर। उसी समय उसकी नज़र पहली बार उससे मिली। वो एक स्ट्रीट डांसर के ग्रुप के साथ नाच रहा था, उनके इर्द गिर्द बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। वो म्यूज़िक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, तो शाहजहाँ भी कहाँ एक्सेप्शन था। वो भी वहाँ चला गया, उस लड़के को देखकर दंग ही रह गया। वो जो अपने जवानी के कगार पर था, उसका शरीर इतनी खूबसूरती से मूव हो रहा था कि शाहजहाँ उसकी कमर से अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। कुछ पल के लिए तो जैसे उस पर कोई जादू हो गया था, वो बस देख रहा था, ना हिल पा रहा था, ना ही कुछ बोल पा रहा था। यहाँ तक कि जब वो लड़का अपना डांस ख़त्म करके उसके सामने आया, एक पाउच पकड़ते हुए बोला, गगा क्या हमें एक कॉइन मिलेगा? और वो मुस्कराया। उसके बाद तो शाहजहाँ को ऐसा लगा कि उसे कुछ तो देना ही चाहिए। ऑफ कोर्स उस वक्त तो उसके पास कोई कॉइन नहीं थे, पर तभी उसे याद आया वो तो अपने हाथों से गोल्ड कॉइन बना सकता है। उसने अपने पावर को समन किया, पर पाया कि यहाँ पर उसकी पावर काम ही नहीं करती है। शायद उस पोर्टल से बाहर आते वक्त उसकी पावर वहीं रह गई थी। इसे उसे एक बात तो समझ आई, उसके पिता यहाँ से तो कुछ नहीं ले जा सकते थे। क्या वो सच में अर्थ के पावर को कॉन्कर करना चाहते थे? अचानक से शाहजहाँ बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। बिना मैजिक के उसे खाली खाली सा महसूस होने लगा, मतलब वो बस एक ह्यूमन था। सामने वाला लड़का अभी भी उसे उम्मीद से देख रहा था, पर शाहजहाँ की झोली तो खाली थी। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कर दो, अभी तो मेरे पास नहीं है। इस पर वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं गगा, अगली बार। और फिर वो अगले इंसान की तरफ चला गया। शाहजहाँ को उस लड़के का जाना अच्छा नहीं लगा, जैसे उसका अटेंशन चला गया हो। ये फीलिंग बहुत ही अलग और स्टूपिड थी। वो ऐसी फीलिंग से अफेक्टेड कैसे हो सकता है? वैसे ये लड़का आकर्षक तो बहुत था, पर वो एक कॉर्सेटर था, उसके लिए अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना ज़रूरी था। अब अपना सर हिलाकर वो आगे बढ़ा।
वापस से उस केव के पास आ गया। अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी इस नई खोज को लेकर वो क्या सोचे, क्या करे। वो उन फैमिली हेड्स को तो इस बारे में नहीं बता सकता। पहले तो उसे ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या उसके फादर ने बस यही एक पैसेज बना कर रखा था या फिर मैगी वर्ल्ड में ऐसे और भी है। अब उसने ये तय कर लिया कि अभी के लिए तो वो इस बात को सीक्रेट रखेगा, और जैसे ही मैगी फैमिलीज वापस से एक हो जाएंगी तो वो इस पैसेज को हमेशा के लिए सील कर देगा, ताकि फिर दोनों दुनिया एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बने। समय बीतता गया और शाहजहाँ आज वापस से केव की तरफ चल रहा था। वैसे तो उसे हर वक्त ये ख्याल नहीं आता था, पर आज उसकी कोई ज़रूरत थी जिसे उसे पूरा करना था। आज पूरे 3 साल हो गए थे जब वो पहली बार ह्यूमन वर्ल्ड में आया था। वैसे वो कभी कभार यहाँ पर आ जाया करता था, पर आज का दिन कुछ अलग था। उसके पास एक मिशन था, एक ज़रूरत थी उसके शरीर की। वो जानता था ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है कुछ सिक्कों के बदले में। माना कि वो किसी के साथ रात नहीं बिताना चाहता था, पर वो बस किसी के साथ रहना चाहता था, किसी को छूना चाहता था। वो अकेला रहकर तंग आ गया था, वो खुद को शांत नहीं कर पा रहा था, इसलिए बस उसे किसी और का टच चाहिए था। वैसे वो कोई गया गुजरा तो नहीं था, फिर भी वो जानता था उसकी आंखों को सुकून कहाँ मिलेगा। वो पहले कभी इस छोटे से टाउन के इस इलाके में नहीं गुजरा था। अब वो एक दरवाज़े पर आया, वहाँ के वर्कर्स ने उसे अंदर ले लिया, उसका अटेंशन पाने की कोशिश करने लगे। किसी किसी ने तो खुद को उसे सौंपने की भी कोशिश की। वैसे तो शाहजहाँ हमेशा ही इस रास्ते से भाग जाया करता था, पर आज वो थोड़ा सा सुकून चाहता था। जब से वो कॉर्सेटर बना था, वो हमेशा ही अपने काम के प्रति वफादार रहा था। बस आज के लिए वो थोड़ी सी छूट चाहता था, पर हाँ, वो उस डांसर के साथ हुई बात रिपीट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पहले ही कुछ गोल्ड कॉइन्स अपने साथ रख लिए। वो खूबसूरत डांसर, उसका ख्याल आते ही शाहजहाँ ने सहाय किया। वो ये कहना तो नहीं चाहता था, पर वो आज भी उसे भूल नहीं पाया था। कभी कभी बस उसका ख्याल ही शाहजहाँ का दिमाग शांत करने के लिए काफ़ी होता था, साथ ही उसकी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी। उसे यह गलत लगता था, साथ ही उसमें इस बात का गिल्ट अभी भी था कि वो उस दिन उस लड़के को कोई कॉइन नहीं दे पाया। इसलिए जब भी वो ह्यूमन वर्ल्ड में आता था, उसे ढूंढने की कोशिश करता था, पर आज वो उस लड़के को ढूंढने नहीं आया था। वो तो अपनी ज़रूरत पूरी करने आया था, उसकी अकेलेपन की ज़रूरत। इसे भी पूरे 3 साल हो चुके थे, और शाहजहाँ कहीं ना कहीं समझ गया था कि उसे उस याद को जाने ही देना होगा। पर बात तो तब बिगड़ गई कि इस सब ख्याल में शाहजहाँ ये भूल गया कि जब वो केव से बाहर आया तब दिन का समय था। वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता था? पर अब जबकि वो यहाँ पर आ गया है, वो वापस भी तो नहीं जा सकता। वो एक बिजी पर्सन था, एक बार चला गया तो उसे फिर से कब फुर्सत मिलेगी पता नहीं, और उसे किसी भी हालत में अपनी ज़रूरत को पूरा करना ही था। तो उसने अपना मन बना लिया और एक गणिका गृह की तरफ चलने लगा। वहाँ पर बहुत सारे रंगीन लाल रंग लगे हुए थे, संगीत बज रहा था, लोग अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे। कुछ पल के लिए तो शाहजहाँ अभी भी इस सोच में था कि वो किस तरफ जाए, किसे चूज़ करे, लड़का या लड़की। अभी तालियों की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वहाँ पर कुछ प्यारी सी धुन सुनाई दे रही थी, और उस रूम के बिल्कुल बीचों बीच एक डांसर ग्रुप था। उस ग्रुप में बीच में जो लड़का खड़ा था, उस पर शाहजहाँ की नज़र फिर से एक बार टिक गई। ये वही लड़का था, पर इस बार उसने काफ़ी चमकदार और कहीं कहीं से फटे हुए कपड़े पहने थे। वो लड़का जिसने शाहजहाँ की पिछले 3 साल से रातों की नींद हराम कर दी थी, इस बात को करेक्ट करते हैं, अब वो लड़का नहीं रहा।
वो तो एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन बन गया है। वैसे शाशन ने काफ़ी कोशिश की कि वो बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दे, पर उसकी नज़रें उसी लड़के पर आकर रुकती थी। और इसी कोशिश में उसे ये पता लगा कि वो अकेला ऐसा नहीं था, वहाँ खड़े काफ़ी सारे लोगों की गंदी निगाहें सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के पर थी। पता नहीं क्यों, पर यह चीज़ शाहजहान की आंखों को पसंद नहीं आई। उसके दिल में भी एक अलग सा दर्द उठा, ये जलसी थी। वैसे उसे ये फील करने का कोई हक नहीं था, वो तो बस उस यंग मैन को डांस करते हुए देख रहा था। वैसे वो लड़का भी चाहता था कि सभी लोग उसे देखे, इसीलिए तो उसने ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसे मूव कर रहा था। तो शाहजहान के पास पजेसिव होने का कोई कारण नहीं था। ऊपर से कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये यंग मैन सिर्फ डांसिंग के अलावा कुछ और भी ऑफर करता हो। तभी म्यूज़िक ख़त्म हो गया और शाहजहान ने पाया फिर से उस जगह पर तालियों की आवाज़ गूंज उठी है, साथ में कुछ सीटियों की, कुछ चिल्लाने की भी। लोगों ने उस ग्रुप पर कॉइन्स की बरसात कर दी थी और वो डांसर्स अभी वो कॉइन्स उठाने में बिजी थे। वो लड़का उन लोगों के बीच में से घूमने लगा, अपने पाउच में और कॉइन्स जमा करने लगा। शाहजहान अभी भी वहाँ पर फ्रीज होकर खड़ा था जब वो लड़का उसके सामने आया। उस लड़के की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे वो उसे पहचान गया हो। उसने तुरंत कहा, गगा क्या इस बार आपके पास कॉइन्स है? अब चुपचाप शाहजहान ने अपने पर्स में से कुछ गोल्ड कॉइन्स निकाले और उस डांसर के पाउच में डाल दिए। तो उस डांसर ने चौंक कर कह दिया, गगा आप तो पहले से ही तैयार होकर आए थे। इस बार सरप्राइज होने का टाइम शाहजहान का था, मतलब इस लड़के ने उसे सच में पहचान लिया था, उसे वो याद था। पता नहीं ये बात अच्छी थी या बुरी, पर उसे ये जानकर अच्छा लगा। हाँ, शाहजहान बोला। तब उस लड़के ने कहा, गगा आपको मैं याद हूँ? तो शाहजहान ने भी कह दिया, हाँ याद हूँ। तो उस लड़के ने कहा, मुझे भी आप याद हो। वैसे अब शाहजहान ने थोड़ा सा साहस जुटा लिया था, तो उसने वो बात बोल ही दी जो अब तक उसका दिमाग खाए जा रही थी। उसने पूछा, क्या तुम यहाँ काम करते हो? तो उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ मैं और मेरा ग्रुप यहीं पर काम करते हैं। अचानक से उस लड़के को कुछ रियलाइज़ हुआ और उसने वापस सवाल पूछा, ओह काका आपका मतलब है यहाँ काम उनकी तरह? उसने उन लोगों की तरफ इशारा किया जो उस कनिका गृह में काम करते थे। अब तो शाहजहान ब्लश कर दिया और थोड़ा सा एम्बेरस भी हो गया अपने इस बोल्डनेस के लिए। कुछ भी बोल नहीं पाया, उसने बस नोट किया। तो उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं हम तो भटकते रहते हैं, पर अभी सर्दी आ रही है ना, तो इस कनिका गृह के मालिक ने हमें रहने के लिए छत दी और साथ में खाना भी। वैसे वो हमें पैसे तो नहीं दे रहा है इस काम के, पर जितने भी कॉइन्स हमें मिलते हैं वो हम रख सकते हैं, इसलिए ये अच्छी बात है। ओह, अब जाकर शाहजहान बोल पड़ा। अपने पहले के ख्याल से वो थोड़ा सा शर्मिंदा भी था। तो उस लड़के ने कहा, क्या गगा आप नाराज़ हो? तब शाहजहान वापस से ब्लश करते हुए सर हिलाकर मना कर दिया। कहीं ना कहीं उसने एक राहत की सांस ली। पता नहीं क्यों इस लड़के को लेकर उसे इतना पॉजिटिव क्यों फील हो रहा था। अचानक से शाहजहान ने कहा, मुझे जाना होगा। तो उस लड़के ने कहा, रुको गगा क्या आप यहाँ अंदर नहीं जा रहे हो? तो शाहजहान ने अचानक से कहा, मुझे जाना होगा, देर हो रही है। तो वो लड़का फिर से चिल्लाया, गगा रुको। क्या? शाहजहान ने बिना मुड़े कहा। तो उस लड़के ने पूछा, आपका नाम क्या है गगा? मेरा नाम शाहजहान है, कॉल ने जवाब दिया। तो उस लड़के ने पूछा, तुम फिर से आओगे शाहजहान? अब शाहजहान ने कहा, सिर्फ तभी जब तुम अपना नाम बताओगे। इस पर वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बहुत ईजी है जानगा, मेरा नाम वांगी वो है। तो शाहजहान आगे बढ़ते हुए बोला, ठीक है फिर मैं वापस आऊँगा। इस पर पीछे से ही वो चिल्लाया, हाँ हे जानगा आप वापस कब आओगे? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। शाहजहान वापस आ गया था, भरसक कोशिश कर रहा था
कि वो अपने खाने पर तो कम से कम ध्यान दे। पूरे 3 साल बाद वो वापस से उस लड़के से मिला था, वांग यीबो, और इसने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। उसकी यादें, उसकी बातें और शाहजहान के दिल में उठ रहे ख्याल, इस सब से वो उभर ही नहीं पा रहा था। और कहीं ना कहीं आजकल उसे एक उम्मीद सी जग गई थी। पहले तो यीबो उसके सपनों की दुनिया का सितारा था, पर अब वो उसके सामने आ गया था जिसे शाहजहान छू सकता था। ये बात उसे पागल किए जा रही थी। तो बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे वो वापस से अगले हफ्ते ह्यूमन वर्ल्ड में गया, फिर अगले हफ्ते और फिर अगले हफ्ते। अब तो मैगी वर्ल्ड में ये बात फैल गई कि कॉर्सेटर हफ्ते में एक दिन की छुट्टी ले रहा है। हफ्ते में एक दिन शाहजहान वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाता, खास यीबो का परफॉर्मेंस देखने के लिए। उसके जाते ही यीबो मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता, जैसे बाकी के लोग उसके लिए मायने ही नहीं रखते हो, वो तो बस शाहजहान के लिए परफॉर्मेंस कर रहा हो। पहले तो शाहजहान उस कनिका गृह में सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाने लगा कि वो यीबो को देख सके। फिर बाद में यीबो खुद से ही आकर शाहजहान से बातें करने लगा। शाहजहान खुद ये समझ नहीं पा रहा था कि वो बात कैसे शुरू करे, क्या बोले, पर ये यंग लड़का हमेशा ही शाहजहान को बातों में उलझा कर रखता था बिना उसके नोटिस किए। तब जाकर शाहजहान को धीरे धीरे पता चला कि वैसे यीबो एक अनाथ लड़का है, उसके पेरेंट्स भी डांसर्स थे इसी ट्रूप के साथ, पर एक बार सर्दियों में उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो उस सर्दियों में उसके माता पिता चल बसे। फिर इस ग्रुप के कुछ लोगों ने उसे सहारा दिया, उसे डांस सिखाया। फिर शाहजहान ने अपने बारे में यीबो को ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि उसे काफ़ी ट्रैवल करके आना पड़ता है यीबो का डांस देखने के लिए, और ये भी कि उसका कोई परिवार नहीं है, वो अकेला है। हाँ, वो ये नहीं बता सकता था कि वो बस दूसरे शहर से नहीं, दूसरी दुनिया से यहाँ तक आता है उसके लिए। अब हर विजिट में शाहजहान के दिल में यीबो के लिए अट्रैक्शन ऐसे ही बढ़ता रहा, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि उसकी मुस्कुराहट उसे अच्छी लगने लगी। कभी कभार उसका शर्माना और कभी शेमलेस होना। साथ में यीबो के सपने भी उसे पता चले। उसे समझ आया कि यीबो एक बहुत ब्राइट लड़का है, उसके अपने सपने हैं, जैसे कि वो एक दिन कहीं बस जाना चाहता है, एक छोटे सा घर बनाना चाहता है, फार्मिंग करना चाहता है। और तब से शाहजहान ये विश करने लगा कि काश वो भी यीबो के साथ उसके कॉटेज में रहे, उसकी खेतीबाड़ी में मदद करे। पर उसे जल्द ही अपने सपनों के पंछी को वापस बुलाना पड़ा, क्योंकि वो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। यीबो के साथ रहने के लिए वो यीबो पर ख़तरा तो नहीं बन सकता। हफ्ते गुजरते गए, शाहजहान यीबो के प्यार में और पागल होता गया। उसने यीबो की तरफ से कुछ सिग्नल्स नोटिस भी किए। उसने पाया यीबो बस उसी के साथ कुछ अलग सा बर्ताव करता है, पर उसके पास यीबो को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो ये बात भी जानता था वो यीबो के साथ कैजुअल नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने आप को रोक रहा था। तो आखिरकार यीबो को ही पहला कदम बढ़ाना पड़ा। जब वो दोनों साथ में चल रहे थे और कुछ समय बाद शाहजहान को वापस जाना था, वो अभी यीबो को लेकर केव के रास्ते पर ही चल रहा था। दोनों गुमसुम थे, बस एक दूसरे के साथ होना एंजॉय कर रहे थे। अचानक से यीबो रुक गया। शाहजहान कुछ कदम और आगे बढ़ता रहा, पर जब उसने पाया कि यीबो पास नहीं है तो उसने मुड़कर यीबो की तरफ देखा और यीबो की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ यीबो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मैं, यीबो ने कुछ कहने की कोशिश की पर वो आगे बोल नहीं पाया। शाहजहान ने फिर से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तो यीबो ने कहा, काका माफ़ कर दो, पर मुझे ये बात आपको बतानी ही पड़ेगी। शाहजहान ने पूछा, बताओ मुझे? वो परेशान हो रहा था। यीबो अचानक से ऐसा क्यों बिहेव करने लगा? यीबो ने अचानक से कहा, मैं आपको पसंद करता हूँ काका, बहुत समय से। फाइनली यीबो पलके झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपने दिल की बात बोल दी।
शाहजहान के दिल में तो जैसे कोई पवन डर से आ गया। बिना कुछ बोले उसने तुरंत इबो को कमर से पकड़ लिया और उसे अपने बाहों में दे लिया। इबो तो लगभग चिल्लाया। शाहजहान के ऐसे रिएक्शन से वो सरप्राइज हो गया था। पर शाहजहान ने तो अब एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत इबो के होठों पर अपने होठ टिकाए। पहले तो इबो सरप्राइज हो गया, आंखें बड़ी हो गई, होंठ कस लिए जैसे अपना डिफेंस करना चाहते हो। पर धीरे धीरे शाहजहान के टच में वो रिलैक्स हो गया। उसने उसे बाहों में ले लिया, अपने होंठ खोल दिए ताकि शाहजहान उसे अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सके। अब शाहजहान के हाथ इबो की पीठ पर घूमने लगे, उसे हर जगह पर छूने लगे। इबो उसकी बाहों में बहुत बुरी तरह से कांप रहा था और शाहजहान को बहुत दिक्कत हुई उसे वापस से बाहों से आज़ाद करने के लिए। ना ये जगह सही थी ना समय। उसे वापस से मैगी वर्ल्ड में जाना था जहाँ उसकी दुनिया, उसके नियम उसका इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी मशक्क़त से उसने इबो को जाने दिया, जिसका उसे काफ़ी अफसोस रहा। बस उससे पहले उसने एक लास्ट निबल किया उसके होठों पर और कहा, इबो मैं जाना तो नहीं चाहता पर जाना पड़ेगा। इबो ने फिर से पूछा, क्या तुम वापस आओगे? ऑफकोर्स, शाहजहान बोला और फिर शकल किया। तब इबो ने कहा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा गगा। तो आवाज़ थोड़ी सीरियस थी, थोड़ी टीजिंग, उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्मग भी था। मैं वादा करता हूँ, शाहजहान ने आखिरी शब्द बोले और वहाँ से चला गया इबो को बीच रास्ते में छोड़कर। अगले हफ्ते जब शाहजहान लौटा वो थोड़ा सा डरा हुआ था, उतना ही उत्सुक भी। आगे जो होगा शायद वो उसके लिए तैयार था भी और नहीं भी। जैसे ही उसने उस कन्या गृह में कदम रखा इबो का चेहरा खिल गया। जैसे ही उसका डांस ख़त्म हुआ वो दौड़ते हुए शाहजहान की तरफ आया और दोनों अब चुपचाप वहाँ से निकल गए। आसमान में अब चांद चमक रहा था, उसकी खूबसूरती से पूरा वातावरण दंग हो गया था। कुछ सितारे भी दिखने लगे थे और शाहजहान जानबूझकर इबो से नज़रें चुरा रहा था, जैसे वो बस उसके साथ होने को एंजॉय कर रहा था। उसने इस पिछले हफ्ते उसे बहुत मिस किया था। तभी वो उस चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, मुझे लगता है हमें बात करने की ज़रूरत है गगा। तब शाहजहां ने कहा, इबो ने कहा, मैं आपको पसंद करता हूँ और आप भी मुझे पसंद करते हो, है ना? तुम सही हो, शाहजहां ने कहा। तो इबो ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ गगा, हम कहाँ पर हैं, कितनी गहराई पे? तो शाहजहान ने कहा, इबो मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लगता है अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ गगा। तभी इबो बुदबुदाया। उसने भी गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी यही लगता है। पर शाहजहान ने इबो की बात काटते हुए कहा, क्या गगा? इबो ने पूछा। तो शाहजहान ने कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, ना ही ये वादा कर सकता हूँ कि हम फ्यूचर में साथ होंगे। इबो ने कहा, ऐसा क्यों गगा? मैंने सोचा आप अकेले रहते हो। शाहजहान ने कहा, तुम सही हो, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पास ना परिवार है ना साथी। फिर क्यों गगा? इबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, मुझे जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर इसकी इजाज़त नहीं है। क्या यह आपका काम है? इबो ने पूछा। शाहजहान ने कहा, हाँ ये मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है, जिस वजह से मैं अपना कोई साथी नहीं रख सकता, ना ही अपना परिवार बना सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर नहीं बना सकता। तब इबो ने कहा, क्या आप अपना प्रेजेंट मुझे दे सकते हो गगा? क्या मतलब है तुम्हारा? शाहजहान ने पूछा। इबो ने कहा, जब तक आपके पास समय है क्या आप वो मुझे दे सकते हो? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं शाहजहान हेजिटेट कर गया, समझ नहीं पाया कि इबो को वो क्या जवाब दे। वो तो बस सेल्फिश बन रहा था पर बनना भी चाहता था। इबो बोला,
प्लीज़ मुझे घुटना पर आने पर मजबूर मत करो। शाहजहाँ ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें घुटनों पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ सही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बस खुद के बारे में सोच रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हें मना भी नहीं कर पा रहा हूँ। इबोध तुरंत मुस्कुराया तो शाहजहाँ ने उसे ऐसे बाहों में लिया जैसे वो उसे आखिरी बार देख रहा हो। उनका किस जल्द ही बहुत ही टेढ़ हो गया, पर समय की टिक टिक तो चल ही रही थी और ऑफ कोर्स शाहजहाँ को वापस जाना था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटा कर इबो को खुद से अलग करते हुए कहा, मुझे जाना होगा। इबो बुदबुदाया, आप वापस कब आओगे? तब शाहजहाँ ने बड़े प्यार से कहा, अगले हफ्ते माय लव। इस पर इबो ने इतनी अच्छे से मुस्कुराकर उसे जाने दिया जिसे शाहजहाँ हफ्ते भर तक याद रखेगा, जैसे कि वो अपने काम पर जाते वक्त इबो को पीछे छोड़कर जा रहा हो और उसे लौटकर उसी के पास आना हो। अब हर बार जब भी शाहजहाँ वापस आता इबो को वो बाहों में लिए रखता, हर बार उसे वापस से मैगी वर्ल्ड में जाने में बहुत मुश्किल होती, पर हर बार जिम्मेदारियाँ उसे अपनी तरफ खींच ही ले जाती। हर बार उसे ऐसा लगता शायद से वो इबो को फिर से नहीं देख पाएगा। उसे पता था वो आग के साथ खेल रहा था, फिर भी वो इबो से ना अलग हो रहा था ना ही उसे साथ रख पा रहा था। उससे अलग होते हुए 6 दिन उसे काटने को दौड़ते, पर उसे वो पूरी ईमानदारी से पूरा करता ताकि 7वें दिन छुट्टी लेकर वो वापस से अर्थ पर जा सके, अपने इबो को बाहों में ले सके। इधर इबो का भी ये पहला प्यार था, उसने पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी, कम से कम अपने पेरेंट्स के गुजरने के बाद तो नहीं। हाँ, वो डांस ग्रुप के साथ ट्रैवल करता था, जो लोग उसकी तरफ काफ़ी काइंड थे, उसे अच्छे से खिलाते थे, कपड़े देते थे, उसे हेल्दी रखते थे। वो शुक्रगुजार था कि उन्होंने उसे डांस सिखाया। शायद से इबो में जन्म से ही ये टैलेंट था, इसलिए जैसे ही उसे मौका मिला उसने उनका कर्ज उतारने का सबसे पहले सोचा। वो उन पर बर्डन नहीं बनना चाहता था, वो बड़ा हो रहा था और साथ ही उसने बाकी लोगों की नज़रें भी नोटिस करना शुरू किया था। जब भी वो डांस करता लोग भूखे भेड़िए की तरह उसे देखा करते। उसने जल्द ही ये चीज़ जान भी ली और मान भी ली, ये भी सीख लिया वो खुद को मिल रहे इस अटेंशन को थोड़े से एक्स्ट्रा कॉइन में कैसे बदल सकता है। वो अभी भी टीनेज में था जब वो उससे पहली बार मिला था, से ही उसकी नज़रें शाहजहाँ से मिली, वो तो कहीं खो सा गया। हाँ, ये उसके लिए मुश्किल था, उसने इतने सारे लोग देखे थे, फिर भी किसी एक पर उसकी नज़र कट जाए ये काफ़ी मुश्किल था। फिर भी किस्मत ने उन्हें मिलाया। उसने उस हैंडसम गगो को अपने ख्यालों में ही छुपा कर रखते हुए अपनी रोज़ी रोटी पर ध्यान दिया, पर किस्मत फिर से मेहरबान हुई और उसे वो गॉर्जियस मान फिर से एक बार दिखा। वो जल्द ही समझ गया ये आदमी बस दिखने में खूबसूरत नहीं है, दिल का भी बहुत अच्छा है। और उसे तो अपने चार्म का पता ही था, कोई भी उसे मना नहीं कर सकता था। और कहीं ना कहीं अब इबो ने ठान लिया था कि अब वो दोबारा से उस ट्रैवलर ग्रुप के साथ नहीं जाएगा। उसने जितने भी पैसे आज तक कमाए थे उसने सेव करके रखे थे, वो उसके ज़रिए एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीद लेगा, वहीं पर रहेगा ताकि वो शाहजहाँ के साथ रह सके। वैसे तो उसने अपने सपनों के बारे में शाहजहाँ को पहले ही बता दिया था, पर उसने ये ज़मीन खरीद ली है ये तो उसने अभी तक सीक्रेट ही रखा था। और आखिरकार वो दिन आया जब इबो ने अपने प्यार का इजहार किया। साथ ही उसे थोड़ी सी उदासी भी हुई जब शाहजहाँ ने उसे कहा कि वो उसके साथ फ्यूचर नहीं बना सकता, इसलिए इबो ने बस ये पूछा कि वो अपना आज का समय तो उसके साथ बिता सकता है ना। वो समझ गया शाहजहाँ ने अपने बारे में उसे पूरी तरह से सच नहीं बताया है, पर चाहे जो हो उसे जितना शाहजहाँ से मिल रहा है वो उतने में ही खुश है। अगर वो हफ्ते में एक बार उसके पास आता है, उसके बाहों में इबो को रहने को मिलता है, वो तब भी खुश है। पर कहीं ना कहीं इबो की भूख हर बार थोड़ी सी बढ़ती जाती थी, अब वो बहुत मेहनत करने लगा
उसके साथी डांसर्स भी। उन सब ने मिलकर उसके लिए एक छोटा सा घर बनाया। वो एक झोपड़ी थी पर इबो के लिए किसी पैलेस से कम नहीं था। इबो इस बार शाहजहान को ये जगह दिखाकर उसे सरप्राइज करना चाहता था, क्योंकि अब उनके पास छोटी सी ही सही पर खुद की जगह थी। अगली बार जब उसे शाहजहान को गुड बाय करना था तो उसने शाहजहान से एक फेवर मांगा। जहान का इबो ने शुरुआत की, कहा, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ, शाहजहान ने इबो के पूरे चेहरे पर किसस करते हुए पूछा। तो इबो ने कहा, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तो क्या आप? वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या बोले, फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, मेरे साथ रात गुजारोगे? उसने शाहजहान के चेहरे की तरफ देखा, मतलब पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। पर जल्द ही शाहजहान ने उसे पूछा, तुम श्योर हो माय लव? इबो ने तुरंत कहा, हाँ मैं पहले कभी भी। पर शाहजहान ने तुरंत उसके होंठ सिल दिए और कहा, ऑफ कोर्स माय हार्ट, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। और आखिरकार अगले हफ्ते इबो का बर्थडे आया। इबो बड़े इत्मीनान से उस रास्ते पर शाहजहान का इंतज़ार कर रहा था जहाँ से शाहजहान जाया करता था। ऐसे उसने पहले कभी भी ऐसे नहीं किया था, पर आज उसके चेहरे से मुस्कुराहट छूटने का नाम नहीं ले रही थी। जल्द ही शाहजहान आ गया, जो पहले तो इबो को ऐसे देखकर शॉक हो गया था, पर जल्द ही वो शॉक मुस्कुराहट में बदल गया। शाहजहान ने पूछा, इबो क्या? पर इबो ने तुरंत अपने होठ उसके होठों पर टिकाए उसे शांत किया। शाहजहान तुरंत ही इबो के लिप्स में खो गया। उसके बाद इबो बुदबुदाया, हेलो जहान का। तो जहान ने कहा, क्या हम चल सकते हैं? साथ ही उसने इबो को ये बताया, हो सकता है हम एक इनमें रूम रेंट पर ले ले। यह कहते वक्त शाहजहान बड़ा शर्मा रहा था, पर इबो मुस्कराया और शाहजहान की तरफ देखकर उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, नहीं जहान का, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए इबो गुनगुनाते हुए शाहजहान को अपने साथ लेकर चलने लगा। वैसे तो शाहजहान को ज़्यादा रिएक्ट करने का वक्त नहीं मिला। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर जल्द ही वो जंगल के किनारे एक छोटी सी हट पर पहुँच गए। शायद से कोई यहाँ आ बसा और शाहजहान ने नोटिस ही नहीं किया। उसने पूछा भी इबो से, हम कहाँ जा रहे हैं इबो? तो इबो ने कहा, सच कहूँ तो मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वो शाहजहान की तरफ देखकर मुस्कुराया। तो शाहजहान ने कहा, तुम्हारे घर क्या, कैसे? तो इबो ने कहा, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, मेरे ग्रुप ने और मैंने सोचा है कि हम अब यही रहेंगे। हमें कनिका ग्रह से जितने भी पैसे मिले हम सब ने संभाल कर रखे हैं और कुछ लोग यहाँ पर किराए के घर पर रह रहे हैं। तो जितना पैसा मैंने कमाया था मैंने उससे ये ज़मीन ले ली और फिर अपना घर बनाया और अभी अभी मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। इबो, शाहजहान बुदबुदाया, क्या इसका मतलब तुम अब कभी ट्रैवल करने नहीं जाओगे? हाँ, और आप जानते तो हो कि मैं डांस के अलावा अपने छोटे से फार्म में रहना चाहता था, इबो ने कहा। शाहजहान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ इबो। तभी इबो कन्फ्यूज होकर बोला, और इबो थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए बोला, जबकि अब मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ तो हमें थोड़ी सी प्राइवेसी भी मिलेगी। ओ इबो, कहते हुए शाहजहान ने तुरंत उसे बाहों में लिया, बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फाइनली इबो शाहजहान को अपने घर के अंदर लेकर आया, जिसे देखकर शाहजहान तो सरप्राइज हो गया था। अंदर एक छोटा मीडियम साइज़ का बेड था, एक टेबल था, दो चेयर्स थी, एक ट्रंक थी जिसमें इबो का सारा पर्सनल सामान रहता था, उसके क्लोथ्स रहते थे, और एक मीडियम साइज़ का स्टोव था। ये सब चीज़ें शाहजहान को दिखाते वक्त इबो बहुत प्राउड फील कर रहा था। उसे बता रहा था कि उसने ये सब कैसे और कहां से पाया। वो खुश था कि वो अपने बिलोड को ये सब दिखा रहा है। जैसे जैसे इबो शाहजहान को सारी चीज़ें दिखा रहा था, शाहजहान भी उन चीज़ों को छूकर देख रहा था।
ऐसे ही जब वो इबो के टेबल को छू रहा था, अचानक से वो दर्दने का रहा। आउच, शाशा ने कहा। तो इबो ने पूछा, क्या हुआ काका? शाशा ने कहा, लगता है मेरे अंगूठे में कुछ छुप गया। तभी वो तुरंत शाहजहान का अंगूठा देखते हुए बोला, आपका तो खून निकल रहा है, रुको मेरे पास कुछ औषधि है। अभी वो तुरंत अपना ट्रंक खोलकर जल्दी जल्दी उस चीज़ को ढूंढने लगा और उसके मिलते ही वापस शाहजहान के पास आ गया। पर तब तक शाहजहान ने वो स्प्लेंडर निकाल कर उस पर अपना रुमाल बांध दिया था। जब भी वो ऑइंटमेंट लेकर आया, उसने कहा, पर यहाँ पर खून आ रहा है। शाहजहान ने उसे रुमाल खोलकर दिखाया, देखो खून रुक गया है। इबो ने फिर भी उस पर ऑइंटमेंट लगाया और शाहजहान को रुमाल को देखते हुए कहा, देखो ये खून से सन गया है, इसे यहीं रहने दो। फिर वो थोड़े से टीजिंग टोन में बोला, मैं इसे आपके लिए धो दूंगा। शाहजहान ने कहा, इबो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इबो ने कहा, जानता हूँ पर मैं करना चाहता हूँ। थैंक यू, शाहजहान ने कहा, इसे पहले कि वो इबो को अपने बाहों में ले ले। शुरू में तो वो बस एक दूसरे के बाहों में थे, फिर जल्द ही वो आगे बढ़े। वो रात बड़ी लंबी रही, फिर भी सुबह की पहली किरण आने तक शाहजहान ने इबो को नहीं छोड़ा। इबो शाहजहान की बाहों में था। जब बाहर उजाला होने लगा था, शाहजहान ने खिड़की से ये देखा और तुरंत अपनी सारी चीज़ें समेट कर उसने वापस जाने का तय किया, ताकि किसी को पता चले बिना वो वापस से अगले हफ्ते आकर इबो को अपनी बाहों में ले पाए। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि अगली सुबह जब इबो उठा, उसने अपने खाली बिस्तर को देखा, वो उदास नहीं हुआ, शाहजहान उसके साथ नहीं था। तभी उसने खुद को याद दिलाया, आज उसका बर्थडे है, हो सकता है शाहजहान उसके लिए कुछ स्पेशल करने गया होगा। वैसे भी उसने अगले हफ्ते तो आना ही है। वो अपने बेड से उठा और नहाने के लिए चला गया। वैसे भी उसके सारे सही जगह पर बहुत दर्द उठ रहा था। फिर जब वो कपड़े धोने वाला था, उसे टेबल पर पड़े शाहजहान के रुमाल की याद आई। वैसे तो वो उसे धोने वाला था, पर पता नहीं क्यों उसने उसे ऐसे ही रहने दिया। सच कहे तो वो जानता नहीं था इतने अच्छे फैब्रिक से खून के दाग निकालते कैसे है, क्योंकि वो इतने अच्छे फैब्रिक को ख़राब नहीं करना चाहता था। वो देखने से ही एक्सपेंसिव लग रहा था, तो उसने उसे केयरफुली फोल्ड किया और वापस से अपने ट्रंक में रख दिया। वो जब गर्म पानी में अपने आप को सोक करते हुए अपने मसल्स रिलैक्स कर रहा था, साथ ही अपने पहली रात के बारे में सोच रहा था जो उसने अपने लवर के साथ बिताई थी। इधर अगला हफ्ता शाहजहान के लिए काफ़ी व्यस्त रहा, पर वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता था। इधर मैक्स के बीच में काफ़ी सारी बहसबाजी बढ़ गई थी, लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। उन सब के बीच में शांति बनाए रखना शाहजहान के लिए मुश्किल होता जा रहा था। फिर भी उसे करना तो था, उसे बहुत हार्ड वर्क करना था ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने लवर के पास वापस जा सके। उसने अपने आप को काम में पूरी तरह से झोंक दिया था ताकि उसका वीकेंड अच्छे से जाए। खासकर ये देखना तो बहुत बढ़िया था कि वो उसका इंतज़ार कर रहा है। उसके घर के दरवाजे पर शाहजहान को सामने से आते हुए देखकर इबो ने तुरंत आगे बढ़कर उसे कसकर बाहों में ले लिया और कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ये चीज़ इबो बिना किसी शर्म, बिना किसी हिचकिचाहट के कह रहा था डंके की चोट पर। शाहजहान ने भी कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया माई लव। वो भी इबो के लिए उतना ही ईमानदार था, उतना ही सिंसियर था। इबो ने अब शाहजहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप बहुत व्यस्त हैं? शाहजहान का फीका पड़ा चेहरा, उसके आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स इस बात को बयां कर रहे थे। शाहजहान ने भी तुरंत कहा, हाँ थोड़ा सा। इसे इबो की परेशानी और बढ़ गई। इबो ने कहा, आपको आराम करना चाहिए। इबो ने कह दिया और बात ख़त्म। अब वो शाहजहान की सुनने थोड़े ही वाला था। शाहजहान ने कहा, पर मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। इस पर इबो ने कहा, आप हो सकते हो, पर पहले आपको थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा। प्लीज़ बस थोड़ी देर सो जाइए, मैं भी आपके साथ सोता हूँ। अब शाहजहान इस बात पर मान भी गया, अगर वो थोड़ी सी नींद ले ले तो उसे ही अच्छा लगेगा।
और जैसा कि इबो ने वादा किया था, शाहजहाँ ने पाया इबो बिल्कुल उसके सामने है बेड पर। उसने इबो के लिप्स पर किस किया, पर जल्द ही दोनों भी अपने डिज़ायर के हाथों मजबूर हो गए और उनकी वो रात भी रंगीन हो गई। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शाहजहाँ इबो से कभी अपने मन को भर ही नहीं पा रहा था। वो जितने भी बार इबो के पास आता उसे हमेशा कम लगता। वो रोज़ इबो के साथ नहीं हो सकता था, पर यही तो किस्मत थी। इधर मैगी वर्ल्ड में शाहजहाँ कारवस और नोकटा फैमिली में एक बहस के बीच में फंस गया। वो दोनों किसी ज़मीन को लेकर झगड़ा कर रहे थे। इस बात ने शाहजहाँ को परेशान कर रखा था। दोनों भी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि लड़ाई पर उतर आए थे। अब ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि शाहजहाँ को दोनों फैमिली से बात करनी पड़ी। उसकी रातों की नींद तक हराम हो गई, पर दोनों भी ये सुनने को तैयार ही नहीं थे। शाहजहाँ को अचानक से पावरलेस लगने लगा, क्योंकि उसकी कोई भी सुन नहीं रहा था, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। दूसरी तरफ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, शाहजहाँ इस बात को लेकर भी परेशान था कि वो इबो तक अपना संदेश नहीं पहुंचा सकता। उसे इस बात का डर लग रहा था कि इबो कहीं उसे दगाबाज ना समझ ले। एक यंग डांसर्स को उसने झूठे वादे किए, उसके साथ रात बिताई और फिर उसे छोड़कर चला गया। पर इस वक्त शाहजहाँ बस इतना कर पा रहा था कि वो इस बात की दुआ कर रहा था कि वो वापस जाने के बाद उसकी बात सुने, उस पर भरोसा करे। इधर ही वो बड़े ही उत्सुकता से शाहजहाँ का इंतज़ार कर रहा था। उस हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, तीसरे हफ्ते भी, पर शाहजहाँ वापस नहीं आया। कुछ हफ्तों तक तो इबो ने किसी तरह से खुद को संभाल लिया, पर अब पूरा महीना बीत चुका था और इबो को ऐसा लग रहा था कि शाहजहाँ उसकी भावनाओं के साथ खेल गया। पर उसकी यादों में जो भी समय उन्होंने साथ बिताया था, जो भी बातें शाहजहाँ ने उससे की थी, उसे अभी भी यकीन हो रहा था कि शाहजहाँ सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता है। पर उसके दिल के दर्द का क्या करें। वो शाहजहाँ की याद में उसी रास्ते पर घूमता रहता जहाँ वो उसे अलविदा कहकर चला जाता। एक दिन क्यूरियोसिटी से इबो और आगे बढ़ गया। जहाँ पर शाहजहाँ उसे अलविदा कहता था, उससे भी आगे वो उसी रास्ते पर चलता गया, जब तक कि वो एक केव तक नहीं पहुँच गया। उसे लगने लगा कहीं ये केव कहीं और निकलने का रास्ता तो नहीं है, हो सकता है शाहजहाँ वहीं से आता हो। अब उसने उस केव को एक्सप्लोर करने का तय किया, पर तभी उसे ख्याल आया शाम ढल रही है और उसे काम पर भी तो जाना है। तो उसने किसी तरह से खुद को संभाल लिया, पर अगले दिन इबो खुद को रोक ही नहीं पाया। वो हार्ट ब्रोकन था। शाहजहाँ की यादें उसे चुप रहने का मौका ही नहीं दे रही थी, कहीं ना कहीं उदास भी था। तो वो अपने ट्रंक के पास गया, शाहजहाँ का रुमाल निकाला, उस पर खून के दाग देखकर उसे बुरा लगा कि उसने उसे धोया क्यों नहीं। पर अब उसे अच्छा लग रहा था कि शाहजहाँ के होने का सबूत है उसके पास। ये सबूत है कि जो समय उसने शाहजहाँ के साथ बिताया वो कोई सपना नहीं था, वो उसका प्यार था। अब इबो को अचानक से कोई ख्याल आया। उसने अपने मन को ठान लिया और वहाँ से उठ गया। उसने वो हैंकरचिफ अपने कपड़ों में रख लिया और हिम्मत करके उस केव की तरफ चलने लगा, फाइनली उसे एक्सप्लोर करने के लिए। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी तो इबो उस केव को एक्सप्लोर करके वापस भी आ सकता था। इबो हिम्मत करके केव के अंदर चलता गया, उसके आखिरी छोर तक पहुंच गया। जहां पहुंचकर उसने सोचा कि शाहजहाँ आखिर आता कहां से होगा, क्योंकि वहां तो रास्ता पूरी तरह से बंद था। तब उसने शाहजहाँ की याद में वो रुमाल निकाला जो उसके हाथ से तुरंत ही नीचे गिर गया, और जब इबो उसे उठाने गया उसे दूसरी तरफ से गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। अचानक से उसके सामने बहुत बड़ी रोशनी आ गई और इबो उस रोशनी के अंदर खींचा चला गया। और जब वो एक जगह पर ज़मीन पर रुका तो उसने पाया वहाँ पर कुछ गार्ड्स हैं
जो चौंक कर उसी की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ शाहजहां डेस्परेट हो चुका था। इस पूरे झगड़े में कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, ना तो कॉर्वस फैमिली सुन रही थी, ना ही नेटवा फैमिली। और आज वो पांचों फैमिली हेड्स के सामने अपना आखिरी निर्णय उन्हें सुनाने वाला था। एक के बाद एक सभी फैमिली हेड्स आ गए। अचानक से सारी हवाएं सर्द महसूस होने लगी, जैसे कि वो सभी शाहजहां से कुछ अच्छे निर्णय की अपेक्षा कर रहे हो। सभी लोग एक एक करके आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। शाहजहां का फिर से एक बार सर दर्द करने लगा, फिर भी उसने सारे गेस्ट को वेलकम किया। और जब वो अपना निर्णय सुनाने ही वाला था, तभी लुपस फैमिली के कुछ गार्ड्स वहां पर भागते हुए आ गए। कॉसिटर, उन्होंने आते ही उसे ग्रीट किया, घुटनों पर बैठकर अपनी मुट्ठी छाती पर रखी, उसे रिस्पेक्ट दी और बोले, हमें जंगल में एक घुसपैठिया मिल गया है। घुसपैठिया? शाहजहां ने पूछा। तो उनमें से एक ने कहा, हाँ वो मैग नहीं है। मैग मतलब मैजिशियन। शाहजहां को इसे लेकर बुरा लगने लगा। उसकी गट फीलिंग उसे इस बात का जवाब दे रही थी। उसने सोचा उस घुसपैठियों को बगल के कमरे में रोकने के लिए कहा जाए, पर इससे पहले ही लुपस फैमिली के हेड ने कहा, उसे अंदर लेकर आओ। शाहजहां की बात का इंतज़ार किए बिना वो गार्ड्स तुरंत खड़े हो गए। दरवाज़ा फिर से खुला और चार गार्ड्स एक बंदी को लेकर अंदर आ गए, जिसे देखते ही शाहजहां के चेहरे का पूरा खून सूख गया, क्योंकि वो और कोई नहीं, वहाँ ईबो था। इधर ईबो जैसे ही केव के बाहर आया था, दोनों गार्ड्स ने उसे देख लिया। दोनों ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। ईबो ने पूछा, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? उन गार्ड्स ने अब ईबो के हाथों में कुछ स्पेल की और ईबो के हाथ चमक उठे। उन दोनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, मैजिक नहीं है। तो उनमें से एक ने कहा, चलो इसे फैमिली हेड के पास लेकर चलते हैं। दूसरे ने कहा, हाँ वो कॉसिटर के घर गए हैं, चलो चलते हैं। कहते हुए वो गार्ड सीधा, इसी के साथ ही वो ईबो को वहाँ पर सबसे ऊंचे पर्वत पर बने सबसे ऊंचे टावर पर लेकर आए। कॉसिटर से बात करने से पहले उन गार्ड्स ने ईबो को एक कमरे में बंद भी किया था। ऐसा नहीं था कि ईबो ने वहाँ से छूटने की कोशिश नहीं की, पर उससे ना खिड़की खुली ना दरवाज़ा। तो आखिरकार उसने यही अपनी किस्मत मानकर उसे फेस करने का तय किया। तभी वो लोग उसे लेकर किसी बड़े से हॉल में पहुँचे। ऐसा लग रहा था वहाँ के लोग झगड़ रहे हैं। ये सब देखने के बाद ईबो की नज़रें सामने वाले सिंहासन पर गई, जहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा बैठा था। उसने एक केप और वेलवेट पैंट्स पहने थे और उस रेड केप के साथ ब्लैक बूट और ब्लैक गॉन्टलेट। वैसे तो ईबो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये आदमी बिल्कुल जानकर की तरह लग रहा था। वो पलके झपकाकर ये सोचने लगा कि कहीं ये जानकर का भाई तो नहीं है, क्योंकि जो केयरफ्री मुस्कुराते जानकर उसे दिखाई देते थे, ये बिल्कुल उनकी तरह नहीं था। ये तो जैसे कब्र से उठकर आया था। उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। पर जल्द ही उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए। जब शाहजहां लगभग चिल्लाया, ईबो, ईबो डर गया। मतलब इसलिए शाहजहां ने उससे कहा था कि वो उसे फ्यूचर नहीं दे सकता, क्योंकि वो बहुत रिच था और ईबो तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये बात जानकर ईबो ने तुरंत अपना सर झुका लिया। तभी उर्सस फैमिली के हेड ने पूछा, क्या आप इसे जानते हो कॉर्सिटर? मैं शाहजहां के बोल नहीं पाया। उसे तो इस बात पर पछतावा हो रहा था कि उसने ईबो को तुरंत पहचान लिया, पर साथ में उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि ईबो ने उसे पहचानने से मना कर दिया। उसने सर झुका लिया। एक पल के लिए अपने हेजिटेशन को शाहजहां ने सोचा और फिर उसे दूर करके प्राउडली कहा, हाँ मैं इसे जानता हूँ। तब लुपस फैमिली के हेड ने पूछा, ये कौन है? तो शाहजहां ने कहा, ये डांसर है, अर्थ पे रहता है। पूरे हॉल में एक ही बुदबुदाहट फैल गई। सभी लोग ईबो को देखकर चौंक कर आपस में बातें कर रहे थे। एक्चुअली कुछ सामान्य लोग भी ह्यूमन वैसल्स होते थे,
जो आगे जाकर जादू सीख सकते थे। तो उर्सस फैमिली के हेड ने यह जानकर उससे पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए? तभी शाहजहाँ ने उसकी बात रोकते हुए कहा, मैं नहीं जानता, ये कोई ह्यूमन वैसल नहीं है। ह्यूमन वैसल्स किसी न किसी तरीके से इस जादू नगरी तक पहुँच ही जाते थे, पर इबो ऐसा नहीं था। अब शाहजहाँ ने बाकी सबको चुप कराते हुए पूछा, इबो तुम यहाँ पर कैसे आए? तो इबो ने कहा, मैं नहीं जानता, मैं तो बस उस रास्ते पर चल रहा था जहाँ। शाहजहाँ ने नोट किया ताकि इबो ये समझ सके कि वो इबो की बात सुन रहा है। इबो ने कहा, मैं उस गुफा में चला गया, सोचा कि उससे दूसरी तरफ निकलने का रास्ता होगा, पर मैं उसके एंड तक पहुंच गया, वो बंद थी, पर तुम्हारा रुमाल ज़मीन पर गिर गया। अब शाहजहाँ ने अपनी आंखें बंद कर ली और समझ गया कि वहाँ क्या हुआ होगा। क्या तुमने उसे धोया था? शाहजहाँ ने उसे पूछा। तो इबो ने कहा, नहीं। तब नोक्टुआ फैमिली के हेड ने कहा, तो शाहजहाँ ने कहा, मैं जानता हूँ क्या हुआ होगा और मैं आपको बताने के लिए भी तैयार हूँ। अब शाहजहाँ ने पूरी बात बताई कि किस तरह से उसके खून से वहाँ का स्पेल तैयार हुआ होगा, जिससे वो पोर्टल खुल गया होगा जो अर्थ और मैगी वर्ल्ड को जोड़ता है। तभी काबस फैमिली के हेड ने पूछा, आपने हमसे यह सब छुपा कर क्यों रखा? तब शाहजहाँ ने कहा, जब मैं इससे मिला तो मैंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से यह सब छुपा कर रखा। यह जवाब सुनकर सभी कंफ्यूज हो गए। बस टर्टल फैमिली की हेड मुस्कुराई, जैसे वो समझ गई हो शाहजहाँ क्या कहना चाहता है। टर्टल फैमिली के हेड ने तुरंत पूछा, क्या ये तुम्हारा लवर है? वहाँ पर एक बिल्कुल हेवी साइलेंस फैल गया। सभी की नज़रें शाहजहाँ पर थी, यहाँ तक कि इबो की भी। सभी उसी के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। तभी शाहजहाँ ने कहा, हाँ मैं इसे प्यार करता हूँ। उसकी आवाज़ उस पूरे हॉल में गूंज उठी। शाहजहाँ को पहले कभी किसी के सामने इतना एक्सपोज फील नहीं हुआ, पर इबो के चेहरे पर जो शाई स्माइल थी उसे ही बात वर्थ इट कर दी। तभी टर्टल फैमिली के हेड ने कहा, बहुत अच्छे। अब सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। उस फैमिली के हेड ने पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? तो टर्टल फैमिली के हेड ने कहा, जब शाहजहाँ ने हमारा कॉर्सेटर बनने का तय किया था, तभी हमने उसके लिए एक रूल बनाया था कि वो मेक फैमिलीज में से किसी के भी साथ शादी नहीं कर सकता, उसके कभी बच्चे नहीं हो सकते, और ये लड़का उसका सॉल्यूशन है, ये एक परफेक्ट मैच है। तब कॉर्वस फैमिली के हेड ने पूछा, कैसे? तो टर्टल फैमिली हेड ने कहा, एक तो एक लड़का है तो इससे शाहजहाँ की ब्लड लाइन आगे नहीं बढ़ेगी, उसके कोई वारिस नहीं पैदा होंगे, ऊपर से ये ना तो हमारे परिवार में से आता है ना ही हमारे वर्ल्ड में से, तो ये हमारे बीच में पावर इम्बैलेंस नहीं पैदा करेगा, तो ये हमारे कॉर्सेटर के लिए एक परफेक्ट स्पाउस है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? नोक्टुआ फैमिली के हेड ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। इस पर टर्टल फैमिली के हेड ने इंटरप्ट करते हुए कहा, हमारे कॉर्सेटर को खुश रहने का अधिकार नहीं है? क्या वो हमेशा के लिए अकेला ही रहेगा? क्या वो हमारा गुलाम बनकर रहेगा? हमारे बीच में अमन लाने के लिए क्या उसे अपनी सारी खुशियों को दाव पर लगाना पड़ेगा? उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में बिल्कुल चुप्पी छा गई। अब टोटल फैमिली हेड स्मर्क करते हुए सबकी तरफ देखने लगी। वो जानती थी इस बात का तोड़ किसी के पास नहीं है। इधर शाहजहाँ तो ऐसे खड़ा था जैसे अभी उसे 440 वोट का झटका लगा हो। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इबो के साथ शादी करके उसे मैगी वर्ल्ड में ले जा सकता है। वैसे कई बार ये सवाल उसके ज़बान पर आया था कि वो इबो से पूछे, क्या वो अपनी दुनिया, अपना घर, अपना जॉब सब कुछ छोड़कर शाहजहाँ के साथ चल सकता है। पर उसे पता नहीं था कि इबो इस बात को मानेगा या नहीं। उसे डर था कहीं इबो इस बात के लिए मना तो नहीं करेगा, पर चाहे जो हो उसे पूछना तो पड़ेगा। अब उसने तुरंत आगे बढ़कर इबो से पूछा, इबो मैं जानता हूँ मैं तुमसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ, पर क्या तुम अपनी दुनिया को छोड़कर, अपने घर, अपने दोस्तों को छोड़कर मेरे साथ रहोगे?
इस पर एबो ने जवाब दिया, मैं कहीं अपनी दुनिया अपना घर नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया तो तुम हो। नहीं, मैं अपने दोस्तों को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुमसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कोई नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर शाहजहाँ ने कहा, पर अगर तुमने हाँ कहा तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। पर इस सवाल का जवाब जानने की भी उसे उत्सुकता नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही मुस्कुराने लगा था। और उसे देखकर एबो ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्यों वापस जाना चाहूँगा? तो शाहजहाँ ने आखिरकार पूछ ही लिया, शादी करोगे? हाँ, एबो ने तुरंत जवाब दिया और वो तुरंत शाहजहाँ के बाहों में चला गया, उसे किस करने लगा। ये खुशी तो कॉन्टेजियस निकली, क्योंकि कॉसेटर को मुस्कुराते हुए देखकर सभी लोग हंसने लगे। अब जिस लैंड को लेकर कॉर्वस और नेक्टुआ फैमिली में झगड़ा चल रहा था, वो लैंड ही उन्होंने शाहजहाँ और ईबो को एज अ वेडिंग गिफ्ट दिया। अब ईबो ने भी तय कर लिया, जब भी शाहजहाँ अपने काम में व्यस्त होगा, ईबो अपने उस लैंड पर अपना पसंदीदा काम करेगा, यानी खेतीबाड़ी। टर्टल फैमिली की तरफ से आया गिफ्ट थोड़ा सा अलग था। टर्टल फैमिली हेड ने एक स्पेल कास्ट किया, जिससे शाहजहाँ अपनी एनर्जी ईबो के साथ साझा कर सकता था, जिससे ईबो भी उतने टाइम तक जिंदा रहेगा जितनी देर तक शाहजहाँ जिंदा है। वो दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। और यही होती है इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, फॉलो फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फंक्शन बबल में खुश रहिए। जल्द मिलते हैं, बाय बाय।